हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के बनने के बाद विभाग अवैध कॉलोनिया प्लाट और अवैध निर्माण पर बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। प्राधिकरण की टीम लगातार अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने में लगी है। वहीं रुड़की प्राधिकरण की टीम ने ग्राम बेलरा हरिश्रणम के पास जीनी टेरा स्कूल के पास व अन्य जगहों पर अवैध कॉलोनिया पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हमारे उच्चाधिकारी के आदेश के क्रम में ये जो दूसरा फेज चल रहा है, पहला फेज हमने मंगलौर रोड था और जो बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही हैं और उनके द्वारा जो भू माफिया टाइप के और जो अवैध प्लॉटिंग जो कर रहे हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग या प्रशासन को नहीं दिया जा रहा है, ना लोगों को आम पब्लिक को दिया जा रहा है, तो ये कार्रवाई जो है हमारे दूसरे चरण में चल रही है और ये दूसरे चरण में चौथे नंबर की कॉलोनी हमारी टूट रही है। सर आगे भी क्या कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, इसके सारे प्लान हमारे जो है फिक्स हैं, उन प्लानों पर कार्रवाई चल रही है। ये दूसरा प्लान हमारा आज धरातल पर आया है, ये लगातार जारी रहेगा। सर अवैध कॉलोनियों में कुछ लोग नक्शे पास कराते हैं प्लॉटों के, सर क्या वो नक्शे वैलिड हैं? देखिए, जो नक्शे अवैध कॉलोनी में पास हुए हैं या नहीं हुए हैं तो जांच का विषय है, लेकिन जिनके पास हो गए हैं तो पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी पर या हुआ है तो एक प्रकार से वो पर्सनल रेगुलाइज हुआ है, लेकिन अगर कॉमन फैसिलिटीज की बात करें तो वो पूरा प्लॉटिंग जो है हमारी पास नहीं हुई है।